चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी ऑडियंस को आपका नाम बताइए। माय नेम इज लक्ष्य शर्मा। लक्ष्य, तो इनका नाम लक्ष्य शर्मा है। तो जैसा कि इनका नाम है, उसी क्रम में हम दूसरा सवाल पूछ रहे थे, आपका जीवन में लक्ष्य क्या है? पढ़ाई, नहीं, ड्रीम क्या है? ड्रीम क्या बनना चाहते हो आपकी लाइफ में? मैं क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर भी बनने चाहते हैं बच्चे। तो ये बताइए, यहाँ पर खेल कूद कैसे लगते हैं आपको पहले? यहाँ पर खेल कूद अच्छे हैं, पर ज्यादातर पार्टिसिपेट लेते हैं तो बच्चे। मतलब आप भी लेते हैं उसमें? तो हाँ, आप किस खेल में आगे जाते हैं? हम बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में। तो बास्केटबॉल बहुत अच्छा लगता है। तो ये बताइए, यहाँ के टीचर कौन से आपको अच्छे लगते हैं? मुझे टीचर सब अच्छे लगते हैं। कोई भी एक फेवरेट? देवकिशन सर। देवकिशन। तो हमें ये बताइए कि आपको प्रिंसिपल कैसे लगते हैं, पहले ये बताइए। प्रिंसिपल अच्छे हैं। तो प्रिंसिपल का जो बिहेवियर है आपके साथ, घुलने मिलने में आपको कैसे डांट, कोई आपको कोई और भी अदर एक्टिविटीज करवाते हैं क्या वो? हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके जो प्रिंसिपल सर है, वो भी आपके अदर एक्टिविटीज भी बहुत करवाते हैं। तो चलिए साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ऑडियंस को सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रेम सामरिया है और मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। तो ये प्रेम सामरी है और 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये बताइए, आपने सुजानगढ़ में गाड़ू दिया स्कूल ही क्यों चुने पढ़ने के लिए? क्योंकि ये स्कूल में अच्छे संस्कार होते हैं और ये टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर स्कूल में हमने यही सुना था गाड़ू दिया के सेक्टर में, कि संस्कार महत्व रखते हैं अपने लाइफ में, और यहाँ पे संस्कारों का बहुत महत्व है। तो ये बताइए, यहाँ के जो एनवायरमेंट है, टीचर हैं, वो कैसे लगते हैं? वो अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण, डिसिप्लिन, वो कैसा है? तो वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ का। हमें ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि गाड़ोदिया में क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, क्या क्या एक्टिविटी होती है? एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत होती है, खेल एक्टिविटीज होती है जिनमें अपन पार्टिसिपेट ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट भी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ खेल कूद कैसे हैं? खेल कूद में बहुत ऑप्शंस है, जैसे कि चेस, बैडमिंटन, ऐसे बहुत ऑप्शंस है जिसमें अपन भाग ले सकते हैं। तो आपको कोई खेल में रुचि है? हाँ, मेरा फेवरेट खेल बैडमिंटन है। तो बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं? बैडमिंटन में 2 प्लेयर होते हैं अपोनेंट। अपोनेंट सिंगल सिंगल भी होता है। हाँ, मैं ये बताइए कि आपको बैडमिंटन में अगर आगे जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे? बिल्कुल। तो और आपका कोई ड्रीम है अलग, कोई ड्रीम है मेरा आर्टिस्ट बनने का, आर्टिस्ट? किस प्रकार के आर्टिस्ट? जैसा चित्रकार होते हैं जैसे। कि आप देख सकते, चित्रकारी का जो जो सेक्शन है, भाग है आगे, वो बहुत ही टफ भी होता है, ऐसा मैंने सुना है। चित्रकारी भी अलग अलग प्रकार की होती होगी, थोड़ा बहुत बता सकते हैं क्या क्या होता है चित्रकारी में? चित्रकारी में जैसे बहुत चीजें होती है, जैसे कि एक तो होती है ऑप्टिकल्स, जैसे कि ये कैमरा है तो इस कैमरा को बनाने की, और एक होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में वो अपन को उसका चेहरा बनाना होता है। चलिए साथियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ऑडियंस पहले आपका नाम जानना चाहेगी। तो मेरा नाम कार्तिक गुलेरिया है, इनका नाम कार्तिक गुलेरिया है। तो आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं? 8B। तो आप सुजानगढ़ के रहने वाले? तो हाँ, सुजानगढ़ में रहने वाले, तो आप ये बताइए, सुजानगढ़ में मेरे हिसाब से 100+ स्कूल है, तो गाड़ोदिया में क्यों आए? ये बहुत पुरानी स्कूल है, यह बहुत अच्छी स्कूल होती है। इसका जो एनवायरनमेंट है, टीचर हाँ, है, प्रिंसिपल है, वो कैसे हैं? वो सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो हाँ, यहाँ अच्छा पे पढ़ाते हैं, तो आपके यहाँ फ्रेंड सर्कल वो कैसा लगता है आपको? तो बहुत अच्छा। ऐसी कोई बात आप कहना चाहें गाड़ूजा के बारे में, जो अभी तक हमारी ऑडियंस जानना चाहे? यहाँ पर हर शनिवार के शाम को बाल सभा होती है, खेल प्रतियोगिता भी होती है, सांस्कृतिक कार्य भी होते हैं, इन सब में हम भाग ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डांस के कार्यक्रम है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल कूद कार्यक्रम है, सभी में बच्चे आगे जाते हैं और भाग लेते हैं। तो बताइए, आपको कौन से टीचर पसंद है? मुझे मैथ वाले कमल जी सर तो कमल जी का पढ़ाने का तरीका कैसा है मैथ? अच्छा है, वो हर चीज एकदम गौर से बताते हैं। तो मैथ सब्जेक्ट हमने देखा हार्ड भी होता है सर। हमें ये बताइए कि मैथ का रिजल्ट कैसा रहता है आपके स्कूल का? बहुत अच्छा रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैथ का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। तो हमें ये बताइए कि जो आपके यहाँ के प्रिंसिपल हैं, वो आपके साथ कैसे घुले मिले रहते हैं, क्या क्या आपको एक्टिविटी कराते हैं? आपकी एक दिन की पूरी एक्टिविटी बताइए। वो हमें सुबह वंदना होती है तो हमारे साथ रहते हैं, वंदना होने के बाद थोड़ा हमें बताते हैं, मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट हाँ। करते हैं, उसके बाद हमारा ध्यान रखते हैं, और जब भी कोई जरूरत पड़े या कोई टीचर अपसेट हो तो क्लास लेते हैं। तो चलिए साथियों, इसी क्रम में हम दूसरे छात्र का इंटरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए। हिमांशु शर्मा। इनका नाम भी हिमांशु शर्मा ही है। तो हमें ये बताइए कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं?
मैं कक्षा छठी एम में पढ़ता हूँ। छठी एम, सिक्स्थ एम है, मतलब सिक्स्थ ए के सेक्शन में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, आपके यहाँ पे टीचर हैं, उनमें से कौन से फेवरेट टीचर हैं आपके? मेरे फेवरेट देवकृष्ण जी सर हैं। तो हमने देवकृष्ण जी सर के बारे में बहुत ज़्यादा ही सुन रहे, तो ये बताइए वो कैसे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है? वह बहुत गहराई से पढ़ाते हैं और अच्छा भी पढ़ाते हैं, और वो सब बच्चों से प्रेम भाव से बात करते हैं। वो क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो उनका इंग्लिश पढ़ाने का तरीका क्या है, मतलब किस प्रकार आपको अध्ययन करवाते हैं? वह पहले मैनिंग याद करवाते हैं और इंग्लिश में पार्ट पढ़वाते हैं, लिखवाते भी है और टेस्ट भी लेते हैं। तो वीकली टेस्ट होते हैं आपके? हाँ। जैसा कि आप देख रहे थे वीकली टेस्ट होते हैं, तो आपका क्या रिजल्ट रहता है उसमें? 10% रहते हैं, पूरे रहते हैं। 10% 100 में से 100%। अच्छा सॉरी, जैसा कि आप देख सकते हैं 100 में से 100% रहता है। तो ये बताइए यहाँ के जो प्रिंसिपल है अमित जी सर, उनका बिहेवियर कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण प्रजापत, वेलकम टू डिफेंस ब्लॉग प्रवीण में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने अभी तक गाड़ोदिया स्कूल के दो सेक्टर देख लिए हैं, गर्ल सेक्टर बॉयज सेक्टर जो 11th 12th का है, और राज सूरज कुमार गाड़ोदिया को भी आपने देखा ही होगा, अब उसका वीडियो भी अपलोड होने वाला है। तो चलिए अब हम इन छात्र से बात करते हैं जो यहाँ पर बॉयज सेक्टर में पढ़ाई करते हैं, जो 6th to 8th क्लास का जो सेक्टर है गाड़ोदिया स्कूल का, हम आज इसमें विजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को नाम बताइए। माय नेम इज देवांग प्रजापत। तो इनका नाम देवांश है? देवांग। देवांग प्रजापत है। तो आप ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं? आई रीड इन क्लास 8। तो ये 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो व्हिच सब्जेक्ट डू यू लाइक? आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट। एंड व्हिच टीचर यू लाइक? आई लाइक देवकृष्ण जी। तो ये देवकृष्ण जी सर को लाइक करते हैं। तो ये बताइए आप देवकृष्ण जी सर को क्यों लाइक करते हैं? Because they teaches us like in fun, and we like that how he teaches. Okay, जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें देवकिशन जी सर बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत kindly है और politely है। तो ये बताइए आपको गाड़ोदिया स्कूल में कितने वर्ष पूरे हो गए? Like four years. 4 years. तो इनको 4 years पूरे हो चुके हैं। तो 4 सालों में क्या feel किया आपने यहाँ पे? Like this school is kind of good. I'm feeling like fun here and studying here like okay nicely, and students are here very good, teachers are good also, and some teachers I like very much like Devkrishan ji and Kamal ji, Ganit and maths, like and Gopal ji too, they teaches us science, maths, and they teaches us so good, I like them very much. So how is the behavior of your principal? My principal's behavior is kind of like, if student did a mistake, they will teach him like a kind man. Okay. And the student understands that. Or some students are like not so good, so they won't understand, and he have to beat them. तो चलिए साथियों, अब हम इसी क्रम में दूसरे छात्र का इंटरव्यू लेते हैं। तो आपको हमारी ऑडियंस को पहले नाम बताना है। My name is Himanshu Sharma. So, इनका नाम हिमांशु शर्मा है। तो आप गाड़ोदिया स्कूल में क्यों आए ये बताइए पहले। मैं सरदार शहर में रहता था, तो फिर मैंने वहाँ पे मेरे पापा गुजर गए, फिर मैं वहाँ से छापर गया था, और फिर छापर से मैं यहाँ आया था। तो यहाँ पे मेरी मासी रहती है, तब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ फर्स्ट क्लास से। तो मतलब अरुणोदय से आप यहीं से पढ़ रहे हैं? नहीं, फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो अभी आप किस क्लास में? 7th B में है ये। तो अभी ये बताइए कि आपको गाड़ोदिया स्कूल के टीचर कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो आगे प्रिंसिपल कैसे हैं? प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको यहाँ खेल कूद में कैसे आगे बढ़ाते हैं? सभी को बाहर भेजते हैं, राज्य स्तर पर भेजते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भेजते हैं। तो अभी आपकी जो हाफयरली आ रही है, उसमें आपको किस प्रकार तैयारी करवाई जा रही है? समय समय पर टेस्ट लिए जा रहे हैं, और फिर प्रश्न अन्य महत्वपूर्ण वो याद करवाए जा रहे हैं, इस प्रकार तैयारी करवाई जा रही है। तो जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ मौखिक परीक्षाएं भी चल रही है। हाँ। तो आपका क्या रिजल्ट रहता है मौखिक परीक्षाओं में? हमारे तो मेरे तो पूरे में से पूरे आ रहे हैं अभी तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बढ़िया तैयारी हो रही है कि इनके फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं। तो नमस्कार साथियों, तो चलिए अब हमें गाड़ोदिया के जो टीचर हैं उनका थोड़ा हम यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो जानेंगे। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार तंवर है। तो इनका नाम आनंद कुमार तंवर है। तो सर आप गाड़ोदिया स्कूल में किस पद पर हैं? मैं यहाँ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो क्या विषय पढ़ाते हैं? मैं कक्षा 6, 7, 8 में गणित का विषय पढ़ाता हूँ।
तो सर यहाँ पर गणित विषय का अध्ययन करवाते हैं बालकों को। तो सर हमें ये बताइए गाड़ोदिया में कितने वर्ष पूरे हो गए? मेरे को यहाँ पर 10 वर्ष का समय हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर को यहाँ पर 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक मायने रखता है अपनी लाइफ में 10 वर्ष एक स्कूल में। तो सर सबसे पहले बताइए कि यहाँ का वातावरण कैसा है? यहाँ का वातावरण पूर्ण शिक्षा में है, एकदम शांतिपूर्वक है, भैया पूरा सहयोग करते हैं और अध्यापक का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल अमित जी सर उनका बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छा है, एकदम बड़े सभ्य व्यक्ति हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर कार्यों में बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं, चाहे बालक हैं चाहे टीचर हैं, सभी सपोर्टिव है, सभी संस्कारी है और सभी दयालु हैं। तो सर हमें यह बताइए कि यहाँ पर जो रिजल्ट रहता है वो किस प्रकार रहता है? यहाँ पर सभी प्रकार के भैया आते हैं, कुछ होशियार हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ मिडिल स्टेज के हैं। तो होशियार भैयाओं को तो हम होशियार की तैयारी भी करवाते हैं, जो कमजोर रहते हैं उनको थोड़ा अलग से रोक करके भी अन्य प्रकार की तैयारी कराते हैं, जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं और समय समय पर उनकी कक्षा जांच भी होती है और उनके घर पे भी हम संपर्क करते हैं, जिससे उनके घर की स्थिति भी पता करते हैं और घर पर भी सहयोग करते हैं, घर वालों को भी सहयोग करते हैं कि वो बच्चों को क्या निश्चित समय पर स्टडी करने के लिए बिठाते हैं, जिससे बच्चे क्या लगातार स्टडी करने से वो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सर हमें ये बताइए गणित विषय थोड़ा हार्ड भी है और बच्चों को रफ में जो जो सवाल मिलाते हैं तो उन्हें वो कहते हैं ना, कुछ कुछ बच्चों को दर्द भी बहुत होता है, आलस भी खूब आता है, तो उन बच्चों का गणित का विषय को लेकर क्या एक मानसिक सोच है उनकी, किस प्रकार उनको गणित भाती है? देखिए गणित विषय है, भैया ये सोचते हैं कि बड़ा हार्ड विषय है, गणित विषय कोई हार्ड विषय नहीं, यदि गणित विषय में लगातार हम प्रयास करते रहते हैं उससे एकदम अच्छी कुशलता आती है, और जब हम लगातार प्रयास प्रैक्टिस करते रहेंगे, बच्चे लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उनके अंदर एक चीज को आगे बढ़ाकर बढ़ चढ़ कर उसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि गणित के साथ में वैदिक गणित की प्रक्रिया भी चलती है, जिसमें क्या है कि शॉर्टकट फार्मूले बताए जाते हैं, जोड़ वगैरह बाकी वगैरह इनकी जो गणना है वो तेज की जाती है, और यहाँ पर क्या कि वैदिक गणित के प्रश्न मंच वगैरह होते हैं जिसमें बच्चे क्या कि 30 सेकंड में फटाक से उत्तर भी देते हैं। इस बार हमारी टीम है वो क्षेत्र स्तर तक गई थी और समय समय पर जैसे कई प्रतियोगिताएं भी आई। सर हमारे सभी ऑडियंस देख रही है, सभी गर्ल्स बॉयज देख रहे हैं, वो भी मैथ्स से भी बहुत सारे बिलोंग करते हैं, तो हमें कुछ ऐसी बात मैथ के बारे में जिससे वो सफलता हासिल कर सके मैथ्स में। मैथ्स में क्या है कि लगातार जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, गणित के सवाल लगातार मिलाते रहेंगे तभी होगा, मतलब रटन भी काम नहीं आएगी। अच्छा, गणित के एक ऐसा विषय है जिसमें आप सवाल को रफली मिलाना ही पड़ेगा तभी आएगी, और कुछ चीजें जैसे लगातार है हम उसका दोहरान करते रहें, जैसे पहाड़े हैं छोटी कक्षाएं के भैया उन वो पहाड़े लगातार पढ़ते रहें। तो चलिए साथियों इसी क्रम में हम आगे एक टीचर से और मिल रहे हैं, गाड़ोदिया के एक शिक्षक है, तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। तो सर सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आपका नाम बताएं। मेरा नाम रूपचंद प्रजापत है। तो सर रूपचंद प्रजापत है, सर आपका गाड़ोदिया में किस पद पर है आप? मैं वर्तमान में LDC के पद पर कार्यरत हूँ। LDC क्या होता है? लिपिक। लिपिक, अच्छा। तो सर मैनेजमेंट? हाँ मैनेजमेंट भी देखता हूँ। अच्छा, तो सर हमें ये बताइए गाड़ोदिया में कितने वर्ष पूरे हो गए? मेरे को यहाँ 13 वर्ष हो गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर को 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं गाड़ोदिया में। 13 वर्ष से पहले आप कहाँ थे, कोई और स्कूल में? मैं खुद अध्ययन करता था उस टाइम, कंपटीशन की तैयारी करता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो सर आप ये बताइए कि आपने 13 साल यहाँ पर व्यतीत करे हैं, तो आप कैसा लगा एनवायरनमेंट? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, यहाँ पर जैसे संस्कार और शिक्षा में पूरा माहौल रहता है, और यहाँ पर हमें यहाँ की जो स्थानीय समिति है उसका हमारे को पूरा सहयोग रखता है और उनके मार्गदर्शन में हम अच्छे से। ये भी यहाँ पे आपने देखे हैं वो किस प्रकार आगे? यहाँ पर हमारे प्रत्येक खेल का एक ऐसे कोई खेल प्रतियोगिता विशेष के हिसाब से तैयारी नहीं होती है, उनकी सतत पूरे वर्ष तैयारी चलती है, जिसमें प्रत्येक खेल का अलग अलग हमारा कोच नियुक्त होता है और एक समय सारणी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विद्यालय समय के अतिरिक्त भैया बहन है वो आते हैं कोर्ट पर और कोच उनको तैयारी करवाते हैं। तो सर पूरे साल जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको कहीं घूमने का भी मन करता है, तो यहाँ पर क्या शैक्षणिक भ्रमण करवाते हैं? बिल्कुल, हम हमारी जो वार्षिक योजना बनती है उसमें हम समय समय पर बच्चों को जो हमारे हिस्टोरिकल पैलेस है और जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर हम घुमाने को ले जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों को बाहर घुमाने भी ले जाते हैं और यहाँ पर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम 6 to 8 क्लास के जो सेक्टर हैं यहाँ पे गाड़ोदिया में
वहाँ पे विजिट कर रहे हैं श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम प्रिंसिपल सर से बात करने वाले हैं। चलिए सर हमारे ऑडियंस को पहले आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम अमित कुमार मुंदड़ा है और मैं यहाँ प्राचार्य पद पे हूँ राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजान। तो सर का नाम अमित जी सर है और ये यहाँ के प्राचार्य हैं। तो सर हमें सबसे पहले बताइए कि आपको यहाँ पे कितने वर्ष पूरे हो गए। मुझे 16 वर्ष का कार्यकाल हो गया मेरा पूरा। तो सर को 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो सर आपको 16 वर्षों में कैसे लगी गाड़ोदिया? नहीं यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला भी है। 2008 में जब मैंने यहाँ ज्वाइन मिली उस समय ग्रेजुएशन करके अपना पूरा उस समय मैंने ज्वाइन मिली उसके बाद काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं सर को भी बहुत सीखने को मिला यहाँ पर और सर को भी एनवायरमेंट बहुत बढ़िया लगता है। तो सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो खेल कूद की जो क्रियाविधि है उनमें आप कैसे बच्चों को आगे ले जाते हैं? खेल कूद के लिए देखिए हमारे यहाँ कोच है ठीक है और सामने बालिका विद्यालय में वॉलीबॉल बास्केटबॉल के बड़े मैदान भी है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई है। हमारे बच्चों का सुबह शाम दोनों समय यहाँ प्रैक्टिस होती है। अब बच्चों को शुरू से ही जैसे कक्षा 6 से शुरू हो जाता है हमारा स्पोर्ट फिर यहाँ जो संकुल स्तर पर फिर जिले स्तर पर फिर प्रांत स्तर और क्षेत्र स्तर तक बच्चे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संकुल स्तर और राज्य स्तर पर भी सारे बच्चे जाते हैं और स्पोर्ट्स में भी आप नाम करते हैं गाड़ोदिया स्कूल का। तो सर हमें ये भी बताइए कि यहाँ पर कितने बच्चों ने मेडल प्राप्त किए हैं? जी अपना बड़ा विद्यालय है जितेंद्र सिंह जी गाड़ोदिया हमारे संकुल प्रमुख जी हैं उन विद्यालयों के भैया तो नेशनल खेल कर आ चुके हैं ठीक है ना। लेकिन वो टीम जैसे हमारे 6ठी कक्षा से यहाँ बच्चे को निखारना शुरू कर देते हैं। अच्छा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों का जो भविष्य स्पोर्ट्स में वो 6th क्लास से शुरू हो जाता है और स्पोर्ट्स में भी बहुत सपोर्ट किया जाता है। तो सर हमें ये बताइए कि अभी हाफ ईयरली बहुत नियर है बच्चों की तो उसमें आप किस प्रकार बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं? देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में सर्वप्रथम तो पाठ्यक्रम अपना पूरा करवाते हैं। पाठ्यक्रम पूरा करवाने के बाद में जो कमजोर वाले हैं उनकी अतिरिक्त कक्षाएँ कक्षाओं के अंदर कक्षा जाँच ऐसी व्यवस्थाएँ रहती है ताकि बच्चों का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूवमेंट हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी है और हाफ ईयरली की भी बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही है और मुझे भी यही लगता है हाफ ईयरली का रिजल्ट भी 90 प्लस ही रहेगा जैसा कि वार्षिक परीक्षाओं का रहता है। तो सर हमें ये बताइए कि अभी जो 2022 से इसका रिजल्ट गया था वो कैसा गया था? देखिए हमारे यहाँ 8वीं तक का है गुरुजी के पास 9वीं और 12वीं 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएं हमारा बोर्ड रिजल्ट केवल इस वर्ष का ही गत वर्षों का भी बहुत शानदार रहा है। सुजानगढ़ के अंदर भव्य रहता है हमारा कार्यक्रम रिजल्ट का। ठीक है तो सर हमें ये बताइए कि यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं? सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर अपने जो भी जिले से योजना बनती है उसके अनुसार भी होते हैं। साल के एक बार साल के साल में अपना एनुअल फंक्शन रखा जाता है उसका बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम और जितने भी भव्य कार्यक्रम है सारे होते हैं। तो सर हमें ये भी बताइए कि गाड़ोदिया की कोई हटके बात जो हमारी ऑडियंस जान सके। वैसे तो गाड़ोदिया का रिजल्ट है वो सबसे अच्छा रहता है सर्वोत्तम है। इसके अलावा हमारे बालकों पर सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। बालकों की सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता है यहाँ। इसके अलावा हमारी वंदना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो वंदना में बालिकाओं का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो सर हमें ये बताइए यहाँ के जो संस्कार है वो किस प्रकार में डेवलप करे हैं और क्या आपको कोई प्रॉब्लम फैक्ट हुई जब आपने शुरुआत में संस्कार डेवलप करे? देखिए संस्कार के लिए हमारी टीम है पूरी आचार्य और जब आचार्य चयन होता है उसका भी थोड़ा पूरा ध्यान रखा जाता है। बड़े आचार्य चयन किए जाते हैं और उसके बाद में वो अपने आचरण से अच्छी शिक्षा देते हैं और बालकों में भी हर तरह का मान लो उनमें कोई गतिविधि है तो उनके लिए अभिभावकों से बातचीत की जाती है और उनमें कोई भी जो सुधार होता है वो करवाया जाता है। तो सर हमारे जो ये वीडियो है वो पूरी ऑडियंस और सभी बच्चे देख रहे हैं तो हमें ये बताइए कि कोई मोटिवेट बात जिससे हमारे बच्चे प्रेरित हों? अभिभावकों से तो यही निवेदन है कि वो बच्चों पर पूरी ध्यान दें है ना। किसी भी प्रकार की गतिविधि है तो वो विद्यालय में आप उसके लिए बातचीत करें ताकि आप और हम मिलकर उस पर बालक में सुधार करवा सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर ने बढ़िया तरीके से अभिभावकों को सूचित किया है कि कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बता सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद बने रहिए डिफेंस ब्लॉक प्रवीण के साथ में और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार गाड़ोदिया का गर्ल्स एंड बॉयज सेक्टर पूरा विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन यहाँ पर फिल करें। तो धन्यवाद बने रहिए डिफेंस ब्लॉक प्रवीण के साथ में।